चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन बेयर यूनिवर्सिटी कोलकाता के बारे में। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन के लिए वो आ गया है, और दोस्तों जो भी लोग हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप फॉर्म को बिल्कुल फ्री में कैसे फिलअप कर सकते हैं, और आपका कॉलेज का रिव्यू भी इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन बेयर यूनिवर्सिटी को हम क्यों सिलेक्ट करें, यहाँ की जो भी स्पेशल फीचर है उसके बारे में। दोस्तों 2021 में 98% स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो कैंपस सिलेक्शन हो गया है, वो सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ फैकल्टी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों उसके बाद आपको नॉलेज पार्टनर में इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशन बहुत सारे कंपनी के साथ है, तो वो आपको सुविधा हो जाती है प्लेसमेंट में। उसके बाद यहाँ 55 से ज़्यादा कोर्स अवेलेबल हैं कॉलेज में हर एक स्पेशलाइजेशन का। उसके बाद में यहाँ फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कॉलेज में की गई है। फिर है ब्रेन बेयर यूनिवर्सिटी को बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है वो 0 रुपया है। इसके लिए आपको हमारे लिंक के थ्रू फॉर्म को फिलअप करना होगा। लिंक आपको डायरेक्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कॉलेज में जो कोर्स अवेलेबल हैं उसमें आपको बता दें, एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ होती है, उसके बाद हेल्थ साइंस की पढ़ाई होती है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वो सारे स्पेशलाइजेशन से आपको मिल जाएगा, चाहे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो या फिर डाटा साइंस से हो, सारा अवेलेबल है। उसके बाद कंप्यूटेशनल साइंस अवेलेबल है, साइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री कॉमर्स की पढ़ाई होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड लिटरेसी की स्टडी होती है, उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है, उसके बाद लॉ से रिलेटेड जितना कोर्स है वो सारा यहाँ अवेलेबल है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीडिया साइंस एंड जर्नलिज्म का कोर्स है, मल्टीमीडिया का कोर्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे होता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स है वो यहाँ अवेलेबल है, आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे और साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे। दोस्तों यानी आपको ज़रूरत का जो भी कोर्स है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक सीएसई ब्रांच से करना चाहता है 4 साल का कोर्स, तो उसे कोई भी स्पेशलाइजेशन से करेगा तो उसे 4,49,000 रुपये आपको देने होंगे ट्यूशन फी। और दोस्तों जो 3 साल का कोर्स है उसमें आपको टोटल 2,21,200 रुपये देने होते हैं। दोस्तों इसके अलावा सारा जो कोर्स है उसका फी स्ट्रक्चर डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आपको कैंपस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा बात करें हम कंप्यूटर लैब की तो वो भी अच्छी है, या फिर हम प्रैक्टिकल के लिए जो भी सब्जेक्ट वाइज लैब होती है वो सारी व्यवस्था कॉलेज में अच्छे से दी गई है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और भी बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कोई पास आउट स्टूडेंट है उससे भी आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी रियलिटी है वो बता दिया जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट यहाँ 2021 का जो सेशन था उसमें 98% स्टूडेंट का हो गया है, और जो हाइएस्ट पैकेज गया है वो आप देख सकते हैं 16 लाख पर एनम का सैलरी यहाँ से हाईएस्ट पैकेज दिया गया है, जिसमें जो प्लेसमेंट पार्टनर है वो आप देख सकते हैं सारी अच्छी कंपनियाँ, इन्फोसिस है, अमेजन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कैपजेमिनी है, विप्रो है, तो ये सारी अच्छी कंपनियाँ यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है, और दोस्तों ये सारे आपको जो ट्रेनिंग वगैरह है वो सब देगी। फैकल्टी और टीचर के बारे में बात करें तो फैकल्टी और टीचर यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे वेल एजुकेटेड हैं, और हॉस्टल और कैंपस लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हॉस्टल में आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगी और बहुत सारे इवेंट हैं वो समय समय पे होते रहते हैं, तो आपको दिक्कत कहीं से नहीं होगा। हम एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी के बारे में बात करें तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर एनुअल फंक्शन हो, वो सारे इवेंट हैं वो कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। आप कुछ जो तस्वीरें हैं वो कॉलेज का देख सकते हैं, ये सारे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी में आते हैं। इसके अलावा आपका टेक फेस्ट है या फिर साइंस एग्जीबिशन है, तो वो सारे इवेंट है वो कॉलेज में आपको समय समय पे होते रहेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो सकेगा। प्रोज एंड कॉन्स देखें तो ये कॉलेज लगभग सही है, प्लेसमेंट थोड़ी कम होती है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आप कम फी में अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी
अच्छे से इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कोर्स है वो कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने का डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट होकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे सबसे ऊपर आपको नेम डालना है, वहां पे नीचे में मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में नीचे लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, सबमिटिंग प्लीज वेट। दोस्तों जैसे ही आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, वो आपका दोस्तों जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस तरह का मैसेज आ जाएगा, अप्लीकेशन सक्सेसफुल। और यहाँ पे देखिए आप रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू सून, आपको कॉलेज के द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा और जो भी आगे की प्रोसीजर होगी उसे फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म को बिल्कुल फ्री में आप इस तरह से भर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक।